अगर आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हो और अपना काम शुरू करना चाहते हो तो आपका प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, प्रॉब्लम ये है कि पहला क्लाइंट कैसे मिलेगा। क्योंकि जैसे ही आपको पहला क्लाइंट मिलेगा, अगर आप उनका काम अच्छा करके देते हो तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा बनेगा और वहाँ से आपको रेफरेंस मिलेंगे। जिसका भी घर आपने अच्छा किया है वो दूसरे लोगों को भी तो बताएगा इसने बनाया है, तो वहाँ से आपको काम आना शुरू हो जाता है। लेकिन पहला क्लाइंट कैसे मिलेगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डील है। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि कौन कौन से तरीकों से आप अपना फर्स्ट क्लाइंट और आने वाले टाइम में भी नए क्लाइंट्स आप उनको जोड़ सकते हो कैसे। तो ये मैं तरीका वो नहीं बताने वाला जो ट्रेडिशनल पाथ है, जो ऑफलाइन तरीका चल रहा है, वो सब जानते हैं, दुकान खोलो, ये करो, वो करो, मैं ये नहीं बताने वाला। लेकिन अभी राइट नाउ कोरोना के बाद हर चीज़ है ऑटोमेटेड होती जा रही है, हर चीज़ ऑनलाइन आती जा रही है। तो मैं आपको ऑनलाइन तरीके ही बताने वाला हूँ जो हमारे टाइप की जनरेशन के लिए थोड़े रेलेवेंट हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में सब कुछ ऑनलाइन ही होने वाला है। ऑफलाइन धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है और एक टाइम के बाद ये ख़त्म भी होगा। हाँ, मे बी कुछ टाइम बाद हो, अभी ना हो, लेकिन अभी हमें कुछ नया शुरू करना है तो हमें ऑनलाइन ही शुरू करना पड़ेगा। पहला तरीका है गूगल एड्स। गूगल एड्स क्या होते हैं, मैं सिंपल सा बताऊं। जैसे कोई भी कीवर्ड है, कीवर्ड होता है जो भी आपने गूगल पे लिखा और सर्च किया वो है कीवर्ड। मान लो मैंने लिखा इंटीरियर डिज़ाइनर इन डेली, बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइन इन डेली, तो वहाँ पे जो आपके रेफरेंस आएंगे, जो फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, मे बी आप 5, 6, 10 देख लोगे, इससे ज़्यादा नीचे थोड़ी जाते हो। तो आपको पहले 2-3 जो दिख रहे होते हैं वो ज़्यादातर एड्स होती हैं, तो उस एड्स को रन करके आप अपने कस्टमर बना सकते हो। बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं इन कीवर्ड्स पे, इन दिल्ली, इन मुंबई, इन अहमदाबाद, व्हाटएवर, जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ के आप वहाँ पे एड्स निकाल सकते हो। अब ये निकालते कैसे हैं, एक टूल है गूगल एडवर्ड्स करके, वहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना है और सिंपली आपको वहाँ पे एड्स मिल जाती हैं। तो वहाँ पे आपको मिनिमम चार्जेस होते हैं, आई थिंक वो 20-30 पैसा एक क्लिक का लेते हैं आपको। मतलब आपकी एड दिखी, इसका तो कोई पैसा है ही नहीं, लेकिन आपके कस्टमर ने उस पर क्लिक किया उसका पैसा लेते हैं। आपकी एड अच्छी है, उसमें प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, तो आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, डेफिनेटली श्योर आएंगे। एक इसका सिंपल सा रूल होता है, मान लो आपके 1000 लोगों ने ऐड देखी जिसमें से 100 लोगों का इंटरेस्ट अच्छा लगा उन्हें, और उसमें से 10% लोग होंगे जो आपके सच में आएंगे। यानी कि अगर 1000 लोगों ने देखी, 10% उसका कितना हुआ, 100 लोग इंटरेस्टेड थे जिसमें से 10% लोग आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मतलब आपको 1000 क्लिक्स चाहिए, यानी कि आपके 200 रुपये लग गए, और उसके बाद आपके पास आए कितने क्लाइंट, 10 क्लाइंट। तो क्या 200 रुपये में 10 क्लाइंट कम होते हैं क्या? बहुत है, शुरू के लिए तो बहुत है ना। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको और ज़्यादा मिलते जाएंगे। इनफैक्ट आफ्टर अ टाइम जब आपके पास बहुत बड़ा आपका हो जाएगा, इसके बाद आपको गूगल एड्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके बाद तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो ना। आपको रेफरेंस मिलने लग जाएंगे इतने सारे कि अगर आपका काम अच्छा है तो आपके लोग जो हैं अपने आप दूसरे लोगों को बताने लग जाएंगे। अगला तरीका है कोलैबोरेशंस। अब कोलैबोरेशंस कैसे करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक यूट्यूब चैनल है बिल्डोफाई करके, वहाँ पे आर्किटेक्ट्स अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हैं। वो क्यों बताते हैं, क्योंकि वहाँ से उनको क्लाइंट आते हैं। और बिल्डोफाई क्या, आपको क्या लगता है वो फ्री में करने देता है उनको? नहीं, उनसे चार्ज करता है वो। यूट्यूब चैनल किसी और का है लेकिन वहाँ पे किसी और की वीडियो डल रही है, तो जो डाल रहा है अपनी वीडियो वो देता है पैसे ताकि हमारी YouTube के वाया उसको रिकग्निशन मिल सके। तो जितने भी लोग उसको देखते हैं उनको पता चलता है ये आर्किटेक्ट है, ये यहाँ रहता है, तो ये यहाँ के प्रोजेक्ट्स लेता है। अगर मैं उस सिटी में रहता हूँ तो मैं उनसे करवाऊँगा, क्योंकि मेरे को और कोई पता ही नहीं है। बेसिकली आपको रिकग्निशन चाहिए, और ऐसी रिकग्निशन जहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा बहुत फेम हो। बिल्डोफाई एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है तो वहाँ अपनी रिकग्निशन है, तो आप वहाँ अच्छे प्रोजेक्ट्स डालोगे तो आपको भी रिकग्निशन मिलेगी। तो बेसिकली सिंपली कोलैबोरेशन का मतलब है किसी भी ऐसी जगह अपने सर्विस को प्रमोट करना। जैसे आपकी सर्विस है इंटीरियर डिज़ाइनिंग, अगर तो उसको प्रमोट करना किसी और के प्लेटफॉर्म पे, उसको कहते हैं कोलैबोरेशन। काइंड ऑफ आप यूट्यूबर्स के साथ कर सकते हो, किसी ऐड में निकाल सकते हो आप, जैसे यूट्यूब के आगे एड्स आती है ना, उन पे भी आप लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो वीडियो के वाया। मतलब अगर आपने अच्छी वीडियो बना दी अपने किसी भी प्रोजेक्ट की, इनफैक्ट आपने प्रोजेक्ट की नहीं बनाई, ढंग का कोई 3D ही बना दिया, इतना अच्छा बना दिया जो थोड़ा अट्रैक्टिव है, तो वहाँ से आपको क्लाइंट्स डेफिनेटली मिलेंगे। नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया खुद का। अब ये कोलैबोरेशन वाला तरीका है ना जो, वो है फास्ट।
अगर आपके पास पैसा है तो फटाफट से पैसा डालो और कोलैबोरेट करो और फटाफट से वहाँ से आउटपुट आ जाएगा। लेकिन आपके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है लगाने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट करो जहाँ पे अपनी एक ढंग की इमेज बनाओ। अब ढंग की इमेज ऐसे ही नहीं बन जाती, आपको सच में अच्छा काम करना पड़ेगा तभी ढंग की इमेज बनती है। तो आप अपना जो भी काम कर रहे हो डेली रूटीन में या आपके जो डिज़ाइंस बना रहे हो वो वहाँ पे अपलोड करते जाओ। अगर आपके पास क्लाइंट्स नहीं भी हैं लेकिन आपके हाथ में है ना 3D बनाना, तो वो ढंग के 3D बनाओगे, वहाँ अपलोड करोगे, तो धीरे धीरे करके आपके पास क्लाइंट्स आने लग जाते हैं। आप वहाँ सोशल मीडिया का इंस्टाग्राम पे, बेसिकली इंस्टाग्राम एक ऐसी चीज़ है जो आजकल बहुत एक्सप्लोर कर रही है। टिकटॉक ख़त्म हो गया, बैन हो गया इंडिया में, तो उसकी जगह आ गया हमारा इंस्टाग्राम। और इंस्टाग्राम पे रील्स बहुत ज़्यादा चलती हैं, जो आपकी वीडियोस चलती है ना शॉर्ट वीडियोस वो वाली, तो वहाँ पे जितना ज़्यादा आप पोस्ट करोगे उतनी ज़्यादा आपको रिकग्निशन मिलेगी। अब बहुत सारे तरीके होते हैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के लिए, सोशल मीडिया पे ग्रो करने के लिए, तो उनको पहले समझो फिर अप्लाई करो। आपको लगेगा कि हाँ मैं भी कर लेता हूँ, बिना सोचे समझे करते रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, कितना भी टाइम लगा दो इतना ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलेगा आपको जितना थोड़े टाइम में ढंग से समझ के मिल सकता है। तो पहले समझो फिर करो। सोशल मीडिया बहुत हेल्पफुल है अगर आप ग्रो करना चाहते हो उस पर, तो वहाँ से आपको बहुत क्लाइंट आएंगे। इनफैक्ट इतने आएंगे कि एक नहीं, आप पता नहीं कितने आ सकते हैं भाई, मेरे को आइडिया भी नहीं है, मेरे पास बहुत सारे आते हैं, मैं तभी आपको बता रहा हूँ। अगला है अपनी लोकेशन ऐड करो। बहुत सारी रिसर्चेस ऐसी होती हैं गूगल मैप्स पे, खासकर इंटीरियर डिज़ाइनर नियर मी, तो नियर मी में अगर आपकी लोकेशन आ रही है तो आप कंसीडर किए जाओगे। अगर नियर मी में आपने अपनी लोकेशन ही नहीं डाल रखी, आपको रिकग्निशन ही नहीं है गूगल से, वहाँ पे लोकेशन आपका दिखता ही नहीं है, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप उनके आसपास हो भी सही। आप किसी बड़ी सिटी में रहते हो, किसी छोटी सिटी में रहते हो, लोग अगर रिसर्च कर रहे हैं वहाँ पे तो आप दिखने चाहिए हो, तभी वहाँ ग्रो करोगे। अगर लोगों को पता ही नहीं चलेगा तो आप कितना ही अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर बन जाओ, आप पता ही नहीं तो आपके पास वो पहुँचेंगे कैसे। तो सिंपल सा है कि कितनी ही रिसर्च हो, थोड़ी हो ज़्यादा हो, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा होती है। मैं आपको अगर डाटा दिखाऊँ, आपको ये देखो इतना एटलीस्ट डेली में है, तो आपके हिसाब से ढंग का लोकेशन ऐड करना क्या ज़रूरी नहीं है, आप बताओ करो। और लोकेशन भी आप ज़रूरी नहीं है कि बहुत पॉश जगह पे ऐड करो, आपका जहाँ भी ऑफिस है, छोटा मोटा ऑफिस है, बस ऐड कर दो, आसपास वाले लोग बहुत आएंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे सोशल मीडिया पे ग्रो किया जा सकता है, और सोशल मीडिया ही नहीं मतलब ऑनलाइन दुनिया के वाया इंटीरियर डिज़ाइनर्स का ग्रोथ हो सकती है, एज़ कम्पेयर टू जो हमारे कन्वेंशनल पाथ है, जो नॉर्मल बिजनेस है, वहाँ से बहुत फास्ट ग्रोथ मिलेगी आपको सोशल मीडिया के वाया या फिर ऑनलाइन दुनिया के वाया, क्योंकि यहाँ पे लोग इतने अवेयर नहीं है। अभी नोटिस किया है आपने कि कोरोना के बाद तो आने लगे हैं अब लोग फिर भी, लेकिन इंटीरियर डिज़ाइनर्स अभी भी इतने अवेयर नहीं है, आर्किटेक्ट्स इतने अवेयर नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर। आप करते हो तो बहुत जल्दी आपको कॉम्पिटिशन से बाहर निकल आओगे, आप पुश मिल जाएगा। तो आई होप इट हेल्प यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।